साथियों नमस्कार, स्वागत है सबका देसी किसान पर। मैं हूं आपका दोस्त चंदन। साथियों पहले तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए यदि सब्सक्राइब न किए हो तो, और इसके पास में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। साथियों आज के अपने इस वीडियो में बात करेंगे मूँग की उन्नत किस्मों की। मूँग की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जिसकी हम जायद के सीजन में बुआई कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि आपका खेत खाली होने वाला है। जहाँ पे भी चना मटर मसूर या गेहूं की खेती हुई होगी वो फसल अब पक के तैयार है, वो जो है कि कट गई है, तो ऐसे में आप जो है कि मूंग की बुआई कर सकते हैं। क्योंकि अभी आप बुआई कर देंगे तो धान लगने से पहले ये खेत खाली हो जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा फसल आपको मिल जाएगा गर्मी के सीजन में। तो आइए आपको हम बताते हैं कौन कौन सी उन्नत किस्में मूँग की हैं जिसकी बुआई कर सकते हैं। जो उसमें पहली किस्म है वो है पूसा 0672। ये जो है उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में इसको लगाते हैं, उस एरिया का रिजल्ट अच्छा आता है। इसका उत्पादन जो है 9 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और इसका जो फसल 52 दिनों में इसकी तुड़ाई के तैयार हो जाता है। मूंग में क्या होता है कि इसका हम जब जो पहले फसल लगता है, जो फलियां पहले लगती हैं वो पहले पक के तैयार हो जाती हैं, उसको तोड़ लेते हैं, उसके बाद में भी फलियाँ आती जाती हैं और हम तोड़ते जाते हैं। ये लगभग 52 से लेकर के 103 दिन तक ये फसल चलता रहता है, पूसा 0672 वाला। और दूसरी जो वेराइटी है पूसा रत्ना है, ये दिल्ली के क्षेत्र के लिए बेसिकली बनाया गया है। दिल्ली के क्षेत्र में इसका रिजल्ट अच्छा आता है, उत्पादन तो अच्छा होता है इस एरिया में। इसका जो उत्पादन है 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है लगभग, इसका एवरेज यहीं आता है। ये लगभग 65 से 70 दिन में तैयार हो जाता है। और जो तीसरी वेराइटी हमारी है वो है पूसा पिसाल। इसका जो बुआई हम कर सकते हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का जो मैदानी एरिया है, इन सब एरिया में इसका रिजल्ट अच्छा आता है। इसका उत्पादन भी जो है कि 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और इसको भी तैयार होने में लगभग 65 दिनों के बाद इसका फलियां तोड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। वहीं जब तक बरसात न हो तब तक इसको तोड़ते रहेंगे तो फलियां लगती रहेंगी। और जो हमारी चौथी वेराइटी है वो है पूसा 9531। इसका भी उत्पादन जो है कि वहीं है 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इसका भी तैयार होने का जो टाइम है 60-65 दिन लगता है। इसकी बुआई भी हम जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल, यूपी, इस सब एरिया में कर सकते हैं, इन सब एरिया का रिजल्ट अच्छा आता है। और जो पांचवी वेराइटी है वो है K851। इस वेराइटी में क्या है कि ये स्पेशली यूपी के लिए बनाया गया है। यूपी में इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है, यूपी में काफ़ी बुआई इसकी होती भी है। इसका जो है कि उत्पादन का जो समय है 65 से 80 दिन का होता है, यूपी के एरिया में 65 से 80 दिन में तैयार हो जाता है, अच्छा रिजल्ट इसका देखा गया है। और जो एक सबसे अच्छी किस्म है जिसकी उत्पादन सबसे अच्छी होती है और साथ ही साथ में उसके सारे फसल जो बालियां होती हैं वो एक साथ तैयार होते हैं, उसमें बारी बारी तुड़ाई नहीं करना होता है, वो जब एक बार फसल पक जाती है तब काट सकते हैं। ऐसे मूँग में दिक्कत क्या आती है कि आप फलियां पकती जाती हैं, तोड़ते जाते हैं, उसमें लेबर खर्चा ज़्यादा आता है। यदि आपकी फलियां एक बार में पक जाएं पूरा, उसको कटिंग कर लें, उसको थ्रेसिंग करा लें, तो उसमें आपको आसानी हो जाती है। तो ये जो वेराइटी है वो है बसंती। ये बसंती नाम की वेराइटी है, ये भी 65 से 70 दिन में पूरा पक के तैयार हो जाता है। इसका उत्पादन जो है कि 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मतलब ये बसंती वेराइटी है ये सबसे अच्छी वेराइटी है, इसका उत्पादन भी सबसे अच्छा है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और इसमें खूबी ये है कि ये साथ में इसकी पूरी बालियाँ पक जाती हैं। तो किसान भाइयों यदि आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताते रहें कि आपको वीडियो कैसी लग रही हो। धन्यवाद।